गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 11, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में, क्योंकि कई सारे स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, कर्नाटका में, राजस्थान वगैरह में, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। राज्यसभा क्या है क्या नहीं है, फास्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस, ये एक्चुअली हमारे जो सीजेई हैं रमन्ना जी, उन्होंने एक कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। नेट ग्रिड के बारे में बात करेंगे, ये बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक हमारे साथ है। इससे पहले हम लोगों ने नेट ग्रिड के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो बेसिकली जीएस पेपर 3 में हमारे पास जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है ना, उसमें हम लोगों को नेट ग्रिड पढ़ना रहता है। कैग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। रुपी एट द रिकॉर्ड लो, तो रुपी का जब वैल्यू डिक्रीज हो जाती है डॉलर के कंपेरिजन में, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो भी आज हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट देखने वाले हैं। कुंडाकलम न्यूक्लियर प्लांट, पहले भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं और दोबारा से बात करेंगे, क्योंकि रशिया ने जो है जो हमें फ्यूल देता है रशिया, उस फ्यूल के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, वो थोड़ा देखेंगे। इंडिया एंड द गल्फ, ये एक्चुअली आज का एडिटोरियल सेक्शन है, क्योंकि सैटरडे है ना, तो सैटरडे को जो है एक्सप्लेनर सेक्शन तो आता नहीं है, एडिटोरियल सेक्शन आया है और वो भी बहुत खास मुझे लगा नहीं। खैर जो भी है इसके बारे में बात करेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बात करेंगे, दो एमसीक्यू आपके लिए लेके आया हूँ और कुछ एडिशनल आर्टिकल्स भी हमारे साथ हैं, तो देखते हैं आज पहली न्यूज क्या है। राज्यसभा इलेक्शंस, बीजेपी होल्ड स्वे इन कर्नाटका, कांग्रेस इन राजस्थान। देखिए न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितना कहां पे क्या सीट जीती, क्या जीती, क्या तिकड़म भिड़ाया, इधर उधर किया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आइडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और जो मेन थीम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो थीम क्या है, थीम है राज्यसभा इलेक्शंस, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? अब वो पब्लिक के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड तो नहीं होते, वो होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब जो पब्लिक होती है वो एमएलएज को चुनती है और जो एमएलएज होते हैं वो राज्यसभा के एमपीज को चुनते हैं। बेसिकली एक तरह की इनडायरेक्ट प्रोसेस होती है और इसके लिए जो मेथड का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो हमारा डायरेक्ट सिस्टम होता है जिसमें हम जिसको हम लोग फर्स्ट पास द फोर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें जिसको मेजोरिटी वोट मिलती है वो जीत जाता है, यहाँ पे वो सिस्टम हम लोग यूज नहीं करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम जो है ना, हम और कौन से इलेक्शन में यूज करते हैं, ठीक है, और भी क्या जाता है ये। खैर आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा इज नॉट इक्वल, मतलब छोटा स्टेट होगा उसकी रिप्रेजेंटेशन कम होगी, बड़े स्टेट की बड़ी होगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा बिलोंगिंग टू द यूनियन टेरिटरी आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस। यूटी के लिए जो है थोड़ा पर्पस अलग होता है, उसके लिए स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। हमारे पास 8 यूटीज हैं, जिनमें से दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के अलग से रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है, वो हो गई बात। दूसरी बात, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको उस पर्टिकुलर स्टेट से होना जरूरी नहीं है, मतलब आपका डोमिसाइल किसी और स्टेट का हो सकता है, उसके बावजूद भी आप उस दूसरे स्टेट से चुने जा सकते हो। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, है ना, मनमोहन सिंह जी कहां से, आसाम से चुने जाते थे राज्यसभा से। खैर एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, एक एग्जाम्पल है वो दीजिए। मनमोहन सिंह जी के अलावा इंडिया में एक और प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि लोकसभा से चुनके नहीं आए थे, राज्यसभा से चुनके आए थे, उन प्रधानमंत्री का नाम मुझे बताओ और ये बताओ कि कौन से स्टेट से आए थे, राज्यसभा से चुनके आए थे, ठीक है। उसके अलावा कहता है टू बी इलेक्टेड इन द राज्यसभा मेंबर फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टेट, ये तो हम लोगों ने बात कर ही लिया। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी ऑफ कोर्स, ये पूरी तरह से डिसॉल्व कभी भी नहीं होती है, ठीक है, इसे कंटिन्यू चैम्बर भी बोलते हैं क्योंकि ये कंटिन्यू रहता है, हर दूसरे साल 1/3 मेंबर जो है इसके हो जाते हैं रिटायर, ठीक है। थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में, बाकी लक्ष्मीकांत ने बहुत सारी चीजें दी हुई हैं कि ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जहां पे राज्यसभा और लोकसभा की पावर इक्वल है, ऐसे एरिया हैं जहां पे लोकसभा की पावर ज्यादा होती है, कुछ ऐसे एरिया भी हो सकते हैं जहां पे राज्यसभा की पावर लोकसभा से ज्यादा होती है, ज्वाइंट सिटिंग में इनका क्या रोल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इनका क्या रोल होता है, ये कुछ कुछ चीजें लक्ष्मीकांत में आपको हमेशा मिल जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माई फोकस हैज ऑलवेज बीन ऑन द फास्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस। देखिए जस्टिस के बारे में दो चीजें बोली जाती हैं, यूजली ऐसे में इसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं। पहला कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये आपने सभी ने पढ़ा होगा,
और ये हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भैया केस ना सालों साल तक चलता रहता है। दादाजी की उम्र में केस फाइल किया गया था और पोते पड़पोते की उम्र में जाके जो है केस का रिजल्ट आता है। ऐसे बहुत सारे केस आपको सुनने को मिले होंगे। तो जस्टिस जब इतना डिले हो जाता है ना, तो भैया समझ लीजिए जस्टिस मिला ही नहीं, सीधी सी बात है। इसका एक और उल्टा होता है जिसको कहा जाता है जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, है ना। ये भी इसके साथ ही दिया जाता है, मतलब बहुत जल्दी फैसला हो जाता है ना वो भी ठीक नहीं है, और बहुत लेट होता है तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब फैसला जल्दी जल्दी में करेंगे ना, तो हो सकता है बहुत सारे एविडेंस वहां पे दिखाए ना जाएं, हो सकता है इनोसेंट आदमी को ही फ्रेम कर दिया जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है ना। तो सारे फैक्ट्स होते हैं, एविडेंस होते हैं, वो सब प्रॉपर तरीके से पेश होने चाहिए, तब जाके एक डिलीवरी होती है जस्टिस की। तो सी रमन्ना जी ने कहा है कि देखिए भैया, कहता है कि जब हमारी कंट्री में टोटल हाई कोर्ट्स वगैरह के अंदर 1100 जजेस होते हैं यूजली, जिनमें से 400-500 जजेस की वैकेंसी हमेशा रहती है। मतलब सोच के देखिए, जब 40% वैकेंसी रहेगी तो भैया क्या जस्टिस डिलीवर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने अपने टेन्योर में अब तक 195 जुडिशियल वैकेंसी को भरने का काम किया है, जिसमें से 180 पोस्ट को गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दिया है, क्लियरेंस दे दिया है। और भी इन्होंने बहुत कुछ बातें बोली हैं। फिर उन्होंने कहा कि इनका जो है कोविड में जो है ये आए थे, पोस्ट के ऊपर आए थे, अगर कोविड ना होता तो शायद कुछ और कर देते। खैर वो बातें अलग हैं। तो ये कुछ कुछ इन्होंने कहा है। जुडिशियल के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में हम लोग पहले भी काफी ज्यादा बातें कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है, वो आता है टेन्योर ऑफ द नेट ग्रिड सीईओ कर्टेल। ठीक है, नेट ग्रिड का मतलब होता है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ठीक है, तो इसके जो सीईओ थे, और उन सीईओ को बेसिकली टेन्योर को उनको हटा के यहां से अभी उनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी कि बीएसएफ में भेज दिया गया है। और इसके जो ऑफिसर होते हैं वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं। यूजली नेट ग्रिड के जो सीईओ होते हैं वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, हालांकि कोई और भी हो सकता है। तो आशीष गुप्ता जी थे, 8 साल से यहाँ पे थे वो, अभी उनके टेन्योर को बीएसएफ में भेज दिया गया है। तो ये नेट ग्रिड है क्या? देखिए, नेट ग्रिड मतलब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, मतलब पूरे देश भर की इंटेलिजेंस को गैदरिंग करने का काम होता है। बेसिकली जब 2008 में 26/11 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद सरकार ने इस चीज को बड़ा नोटिस किया कि यार हमारे जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, उनके बीच में आपस में कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है जिससे वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। अब इसका एग्जांपल आपको मैं देता हूं। एक टेररिस्ट था जिसका नाम था टुंडा, ठीक है, और इसने जो है इंडिया में कई सारे टेररिस्ट अटैक किए। ये इंडिया से बिलोंग करता था। हुआ ये कि 2004 के लगभग इसको कलकत्ता में अरेस्ट कर लिया गया, टुंडा को। लेकिन दिल्ली पुलिस को और मुंबई पुलिस को पता ही नहीं था कि टुंडा को कलकत्ता में अरेस्ट किया गया है, क्योंकि ऐसा कोई डेटाबेस हमारे पास था ही नहीं जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। लेकिन कलकत्ता के अंदर टुंडा के अगेंस्ट में एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी थी ही नहीं, उसके पास कुछ नकली नोट वगैरह पकड़े गए थे, नॉर्मल सा क्राइम था। अब वो 6 महीने जेल में रहा कलकत्ता में, और उसको उसके बाद वहां से छोड़ दिया गया। फिर बाद में 2016-17 में जो है उसको नेपाल के बॉर्डर पे पकड़ा गया अपनी पूरी फैमिली के साथ, और इस बीच में उसने इंडिया में कई सारे टेररिस्ट अटैक कर डाले। तो जब उसको नेपाल में पकड़ा गया, तो फिर पता चला गया जो उसकी पुरानी हिस्ट्री देखी कि भैया ये तो कलकत्ता में 6 महीने रह के आया जेल में, अगर उसको हम लोग उसी समय में पकड़ लेते, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने का तरीका होता आपस में स्टेट के बीच में, तो डेफिनेटली वो चीजें नहीं हो पाती। तो ये महसूस किया हम लोगों ने बेसिकली 2008 में, और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है नेट ग्रिड को बनाया। तो ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है जिसमें जो है डेटा कैलकुलेट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी से, और उसके बाद में वो डेटा जो है शेयर किया जाता है। तो बेसिकली हमारे पास बाकी जो 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे CBI हो गया, ED हो गया, है ना, फाइनेंशियल यूनिट इंटेलिजेंस हो गया, वो सब जो है यहाँ से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इवन हमारे जो टैक्स, जो इनकम टैक्स वगैरह होते हैं, वो भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, उसका प्रीवियस वगैरह वो सब चेक करना वो किया जाता है। इट विल ऑल्सो हैव एक्सेस टू द क्राइम एंड द क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड द सिस्टम, जिसमें बेसिकली इंडिया के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, 14,000 पुलिस स्टेशन हैं, वो डेटा आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं। देखिए बात ऐसी है ना यार, कि स्टेट जो पुलिस होती है, लो एंड ऑर्डर होता है, वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए स्टेट अपनी पावर को सरेंडर नहीं करना देना चाहता, वो नहीं चाहता कि सेंटर जो है उसके डेटा को एक्सेस करे और उसका मिसयूज करे। तो ये थोड़ी चीजें हैं फेडरलिज्म में,
प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन जैसे जैसे चैलेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली हम उसका सोल्यूशन निकाल भी देते हैं। तो देखिए नेटग्रिड भी इसी तरह का सोल्यूशन है। फ्यूचर में कुछ और बड़ा इंसिडेंट होगा तो शायद हम इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ और बेटर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर कैग पुशिज फॉर मोर अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। ये चीज आपने ना नोटिस किया होगा, कई सारे बच्चे कमेंट में भी कई बार पूछते हैं कि सर ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, कैग होता है या कोई भी सॉलिसिटर जनरल या कोई भी होते हैं, वो जब टेन्योर में होते हैं, मतलब जो अपने ऑफिस में होते हैं, तो कुछ नहीं करते सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो दुनिया भर की बयानबाजी करते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, सिस्टम के अंदर ये कमियां हैं, वो कमियां हैं। उस समय पे क्यों नहीं करते जो लोग पोस्ट के ऊपर होते हैं? तो यही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं। आपने इस चीज का बहुत बार रियलाइज किया होगा, है ना, कि सेम ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या लगता है आपको? जब वो ऑफिस में होता है कुछ नहीं बोलते, ऑफिस में होने के बाद वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने लगते हैं, कमियां गिनाने लगते हैं और भी बहुत सारी बातें बोलने लगते हैं। तो आप थोड़ा बताइए, केस स्टडी का एक हो सकता है ये पर्सपेक्टिव, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो उसी डायरेक्शन में एक ये आर्टिकल है, फॉर्मर कैग है हमारे, ठीक है, राजीव महर्षि नाम है इनका। तो ये बेसिकली कुछ लेक्चर वगैरह डिलीवर कर रहे थे और लेक्चर डिलीवर करते इन्होंने ये कहा कि इंडिया की जो एजेंसी है कैग, भैया इसकी बिल्कुल भी एफिशिएंसी नहीं है। इवन कैग को इन्होंने नॉर्मल जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो प्राइवेट कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनसे कंपेयर किया। इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनकी एफिशिएंसी कैग के ऑफिसर से ज्यादा बेटर होती है। इसके पीछे कारण इन्होंने पता क्या बताया? इन्होंने कहा कि कैग अपनी मर्जी से गवर्नमेंट डेटा को, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को ऑडिट नहीं कर सकती। कैग सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट को ऑडिट करती है जो उसको गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसके अलावा नहीं करता। बहुत बार ऐसा होता है जब कैग कोई डॉक्यूमेंट मांगती है सरकार से, तो सरकार कहती है कि सर यह फाइल गुम हो गई, हम क्या करें? अब फाइल कहाँ गुम हो गई ये किसी को नहीं पता, सरकारी महकमा है ना, तो फाइलें गुम हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं। कभी कभार तो ऐसा भी देखा गया है कि हाई प्रोफाइल केस में आग भी लग जाती है डिपार्टमेंट के अंदर, फिर कहते हैं कि सर फाइल में आग लग गई, हम क्या करें? बहुत कुछ होता है इंटरनल डिपार्टमेंट में। तो ये इनका कहना है कि भैया ये फाइल वगैरह लॉस्ट हो जाती हैं, गवर्नमेंट डेटा प्रोवाइड नहीं कराती है। एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे और बहुत शानदार दिया। देखिए कैग के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो स्टेट के अकाउंट्स को भी ऑडिट कर सकता है, लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट का जो 25% एक्सपेंडिचर है वो अदर एक्सपेंडिचर के अंदर में दिखाया गया। अदर मतलब इसका कोई प्रॉपर कैटेगरी है ही नहीं। तो भैया जब ये पता ही नहीं कि कहाँ पैसा खर्च हुआ, तो आप उसको ऑडिट कैसे करोगे? सोचने की बात है। तो इन्होंने कहा कि सॉल्यूशन क्या है। पहली बात तो सॉल्यूशन है डिजिटलाइजेशन। आप डिजिटाइजेशन करिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट का, सारे डॉक्यूमेंट को डिजिटल करिए, है ना। प्रॉपर फिजिकल फाइल में कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये सॉल्यूशन आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। दूसरा सोल्यूशन क्या कर सकते हो? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। मतलब जैसे इन्होंने यही बताया ना, अदर एक्सपेंस वाला वही इसकी बात कर रहा है। तो बेसिकली जो भी सरकारी खर्चे होते हैं, आप हर खर्चे को एक प्रॉपर हेडिंग के अंदर, सब हेडिंग के अंदर डालिए, ताकि पता तो चले कहां खर्च हुआ, है ना। अदर लिख के थोड़ी छोड़ सकते, अदर मिसलेनियस, अदर मिसलेनियस तो बहुत सारा ऑब्सक्योर हो गया ना, एम्बिगस हो गया, पता नहीं कहां खर्चा हो रहा है। तो ये दो सोल्यूशन बेसिकली उन्होंने यहां पे बताए हैं। आप भी इस तरह का सोल्यूशन अपने डेफिनेटली आंसर वगैरह का मेंशन कर सकते हो, प्रॉब्लम भी मेंशन कर सकते हो, आंसर भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और नॉर्मल सी ये चीज़ें भी हैं। तो कैग के बारे में ये कोई पुरानी स्लाइड है, हम लोगों को मिल गई थी, तो मैंने यहाँ पे इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट कर डाला। ये मेरे ख्याल से हम लोगों के 2 महीने पहले एक टॉपिक पढ़ा था कैग वाला। तो कैग जो है वो कोई आज का तो ऑफिस है नहीं भैया, बहुत पुराना ऑफिस है। इसकी शुरुआत जो है 1958 में ही हो चुकी थी, ठीक है। उस समय इसको ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल कहा जाता था। फिर 1960 में जो है सर एडवर्ड ड्रमंड को जो है वो इंडिया के पहले ऑडिटर जनरल बने। 1986 में हम लोगों ने इसका नाम चेंज किया और इसे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कहा, सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। फिर 1984 में जो है इसको रीडिजाइन किया गया एज अ कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो है प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने इसको 1884 में किया, ठीक है। बाद में 1958 में जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है इसके पावर्स को एक्सटेंड कर दिया गया। कुछ आर्टिकल हमारे यहाँ पे हैं जो कि कैग से रिलेटेड हैं, आपके लिए यहाँ पे देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस हैं। तो कुछ प्रोविजन तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली हैं, आर्टिकल 148, 149, 151, 151, 279, ठीक है।
कुछ प्रोविजन ऐसे भी हैं जो थोड़े से इनडायरेक्टली होते हैं, जैसे शेड्यूल थर्ड के अंदर। शेड्यूल थर्ड के अंदर जो सेक्शन 4 है वो क्या कहता है, सेक्शन 4 ऑफ द थर्ड शेड्यूल कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स द फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन टू बी मेड बाय द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द अजम्पशन ऑफ द ऑफिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यूजली थर्ड शेड्यूल के अंदर नहीं जानते हैं इस चीज को। अगर एग्जाम में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल और विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस टॉक्स अबाउट द कैग, तो उसके अंदर आप थर्ड शेड्यूल भी लिखोगे, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। इवन सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर भी कैग के बारे में मेंशन किया गया है। यूजली हम इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, हम इसको पढ़ते जरूर हैं लेकिन आंखों के आगे से निकल जाता है और सवाल वहीं से आ जाता है। तो सिक्स्थ शेड्यूल क्या कहता है, कहता है द अकाउंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ रीजनल काउंसिल शुड बी कैप्ट इन सच फॉर्म एज कैग विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब इन एडिशन दिस बॉडीज अकाउंट आर ऑडिटेड इन द सच मैनर एज द कैग मे थिंक फिट। मतलब जो हमारी रीजनल काउंसिल्स होती हैं सिक्स शेड्यूल के अंदर जो ट्राइबल एरियाज में होती हैं, उनके अकाउंट को भी कैग ऑडिट कर सकता है जब प्रेसिडेंट उसको ड्यूटी करता है। तो सिक्स शेड्यूल थर्ड शेड्यूल इन दोनों के अंदर भी कैग के बारे में मेंशन किया गया है। कैग की फंक्शन और पावर के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल सी बात है पढ़ सकते हो। ये लक्ष्मीकांत से पूरा कॉपी पेस्ट है, तो आपको लक्ष्मीकांत तो पढ़ते ही हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहता है रुपीज सिंक्स टू रिकॉर्ड लो। भैया लगभग 78 रुपीज के ऊपर चला गया है रुपी एक डॉलर के कंपैरिजन में, तो भैया मिट्टी पलीत हो रही है हमारे रुपी की धीरे धीरे। ठीक है, और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, तो दो रीजन इन्होंने हेडिंग में बता दिए, ऑयल एंड एफ पी आई आउटफ्लो। एफ ए मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं। जो फॉरेन इंडिविजुअल्स होते हैं, जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, जब हमारी देसी कंपनियों के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, उसे कहा जाता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और इस समय बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा वापस खींच के USA की मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए रुपया कमजोर हो गया है। दूसरा रीजन है ऑयल, ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया 80% अपनी ऑयल की रिक्वायरमेंट के लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। दो रीजन तो ये हैं, उसके अलावा इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक रीजन यहाँ पे है। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर द करंट डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज किया है, हम लोगों ने यहाँ पे डीवैल्यू वर्ड का यूज नहीं किया है। तो हमारे पास बेसिकली चार वर्ड होते हैं, एक को बोला जाता है अप्रिसिएशन, एक को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक का मतलब होता है रीवैल्यू और एक का मतलब होता है डीवैल्यू, सब में फर्क होता है। अप्रिसिएशन और देखिए यूजली मीनिंग एक ही होता है, डेप्रिसिएशन बोलिए या डीवैल्यू बोलिए, इसका मतलब होता है करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होना। रीवैल्यू बोलिए या अप्रिसिएशन बोलिए, इसका मतलब होता है करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होना। मतलब एक ही है लेकिन मैकेनिज्म अलग अलग होता है। जैसे इंडिया में हम लोग अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज करते हैं, हम लोग इसमें डीवैल्यू वर्ड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड में बिलीव करती है। ठीक है, हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में बिलीव करते हैं, और जहां पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। तो जहां पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वहां पे हम लोग हमेशा डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन जहां पे जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं या जो गवर्नमेंट होती है वो कंट्रोल करती है करेंसी की वैल्यू को, उसको कहा जाता है डी वैल्यू करना या री वैल्यू करना। ठीक है, जैसे चाइना में होता है, नॉर्थ कोरिया में होता है, कुछ समय पहले 1991 से पहले इंडिया में भी हुआ करता था। तो आज के समय में करेंसी जो रूपी और डॉलर या दूसरी करेंसी होती है वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से अपने आप चेंज होती है। तो रीजन क्या है भैया करेंसी के डेप्रिसिएशन होने का, पहला रीजन है सेल ऑफ द इक्विटीज, जो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है ना। तो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से पैसा वापस लेके जा रहे हैं, रुपये डेप्रिसिएशन हो रहा है। कह रहा है आउटफ्लो ऑफ द डॉलर। ठीक है, तो क्रूड ऑयल वगैरह बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, जिसकी वजह से इंडिया जो इंपोर्ट करता है ना बहुत सारा पैसा, को ऑयल इंपोर्ट करता है, तो ऑयल के लिए तो पैसा आपको डॉलर में चुकाना पड़ता है ना, रुपए में थोड़ी दे सकते हो। तो जब हम लोग जितना ज्यादा ऑयल लाएंगे उतना ज्यादा डॉलर बाहर जाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। टाइटनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, RBI ने जो है रेपो रेट वगैरह इंक्रीज कर दिया है, तो उसकी वजह से भी ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन इंपैक्ट क्या होता है डेप्रिसिएशन का, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली दो इंपैक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इंपैक्ट जो है इंडिया के केस में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। देखिए रुपी जब वीक हो जाता है तो यूजली हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है,
क्योंकि इंडियन सामान इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो जाता है क्योंकि इंडियन रुपी कमजोर हो जाता है, तो जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन सामान की डिमांड बढ़ने लगती है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, हाई इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। लेकिन यहां पे समस्या यह है क्योंकि इंडिया जो है ना सॉरी बहुत ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करता ही नहीं है, इंपोर्ट ज्यादा करता है, इसलिए इंडिया को इस चीज का ज्यादा बेनिफिट मिलता नहीं। चाइना को इसको बहुत बेनिफिट मिलता है, बंपर बेनिफिट मिलता है, क्योंकि चाइना दुनिया भर का सामान जो है वो एक्सपोर्ट करता है। खैर, लेकिन ये पॉजिटिव इंपैक्ट में हम लिख सकते हो कि एक्सपोर्ट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेगेटिव इंपैक्ट तो आपको पता ही है, जब रुपी डेप्रिसिएशन होगा तो डेफिनेटली इंपोर्ट महंगा हो जाता है, जो सामान हम लोग मंगवाते हैं दूसरी कंट्री से वो महंगा हो जाता है, क्योंकि उसके लिए हमें डॉलर में पे करना पड़ता है और डॉलर स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए इंडिया को नुकसान है क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, है ना, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो इसलिए इंडिया को नुकसान है। दूसरी बात जो है डोमेस्टिक ऑयल वगैरह जो बहुत महंगा हो जाता है खरीदना, जो ओवरऑल फिर बाद में इन्फ्लेशन को इंपैक्ट करता है, रुपी डेप्रिशिएट हो जाता है तो डेफिनेटली जो है फूड इन्फ्लेशन वगैरह भी इंक्रीज हो जाता है ना। ये कुछ कुछ चीजें आप यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव में लिख सकते हो, नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव तो बहुत कम है। खैर, आगे बढ़ते हैं। रशिया डिलीवर्स मोर एफिशियंट न्यूक्लियर फ्यूल फॉर कुंडाकुलम। देख लीजिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो क्या क्या फ्यूल हमारे पास हो सकते हैं, यूरेनियम हमारे पास हो सकता है, थोरियम हमारे पास हो सकता है, प्लूटोनियम हमारे पास हो सकता है। यूजली हम लोग ये तीन फ्यूल यूज करते हैं और इन तीन फ्यूल के अंदर भी जो है अलग अलग ग्रेड होती है, इंप्योरिटी के हिसाब से ग्रेड होती है। तो कुंडाकुलम जो हमारा पावर प्लांट है, ये बेसिकली हमारा तमिलनाडु के अंदर है और यहाँ पे एक्चुअली 6 पावर प्लांट है, जिनमें से 2 तो अभी काम कर रहे हैं लेकिन 4 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये जो है हम लोगों ने रशिया की हेल्प से बना रहे हैं। 1988 में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, फिर 1992 में, फिर 2006 में, फिर 2008 में, चीजें बढ़ती रही, इंप्रूव होती रही और रशिया के कोलैबोरेशन से बेसिकली हम लोगों ने ये बनाया है। ठीक है, इंडिया में जो न्यूक्लियर का जो पूरा सिस्टम है, कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह काम करेंगे, इसकी शुरुआत एक्चुअली होमी जहांगीर भाभा जी ने ही कर दिया था और जिसमें जो है 3 स्टेज कही गई है इंडिया में जिससे हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं न्यूक्लियर प्लांट के थ्रू। तीनों स्टेज के बारे में आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, आज का वो टॉपिक नहीं है, ये तो मैंने वैसे स्लाइड डाल दिया था, किसी दिन बाद में हम लोग जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे तो आपको मैं तीनों स्टेज के बारे में बताऊंगा। बेसिकली इंडिया में जो हैवी वाटर रिएक्टर्स भी होते हैं, देखिए इंडिया में यूरेनियम की कमी है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लूटोनियम और थोरियम का ज्यादा यूज करते हैं, तो कई बार इनका मिक्स भी यूज करते हैं फ्यूल की कमी होने की वजह से। और वैसे भी इंडिया जो है एनएसजी ग्रुप का पार्ट है नहीं, है ना, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्ट हम लोग है नहीं, जिसकी वजह से इंडिया में यूरेनियम जो है काफी कम है, तो इसलिए हम लोग थोरियम प्लूटोनियम जो है दूसरे उनका आइसोटोप्स वगैरह का, दूसरे फ्यूल का यूज करते हैं। तो रशिया ने क्या किया, अब होता क्या है ना, जैसे कुंडाकुलम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहां पे एक्चुअली हर 12 महीने के बाद हम लोगों को रिएक्टर को बंद करना पड़ता है और उसके अंदर फ्यूल को चेंज करना पड़ता है, नया फ्यूल डालेंगे, फिर 2-3 महीने 4 महीने में उसको शुरुआत होने में दोबारा से लगता है, फिर वो काम करता है, फिर 12 महीने के बाद उसको रोक देते हैं। तो रशिया ने कहा ये ठीक नहीं है, हम क्या करते हैं, आपको बेटर न्यू फ्यूल देते हैं। अब ये बेटर फ्यूल हमें देगा वो, जिसकी वजह से इस रिएक्टर को अभी 18 महीने तक लगातार काम कर सकता है, पहले सिर्फ 12 महीने तक करता था, तो इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हर चीज के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्यूल का नाम थोड़ा आप जान सकते हो। एग्जिस्टिंग जो फ्यूल होता है उसका नाम होता है TVS-2M न्यूक्लियर फ्यूल, TVS-2M न्यूक्लियर फ्यूल, बस ये थोड़ा सा आप इसके बारे में जान सकते हो कि हम लोग कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, हो सकता है एग्जाम में आजकल कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, TVS-2M न्यूक्लियर फ्यूल, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये थोड़ी बहुत डिटेल मैंने आपको वैसे बता ही दिया है। ठीक है, रशिया की कंपनी है जिसका नाम है एटम स्ट्रेस एक्सपोर्ट, ठीक है, उसके साथ मिलके जो है इंडिया का जो NPCIL है वो मिलके हम लोग बना रहे हैं। टोटल 2020-21 में इंडिया का जो टोटल पावर जनरेशन होता है उसका 1% जो है वो न्यूक्लियर पावर से आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक थोड़ा सा सवाल है और जिसका जवाब आपको दिया गया है यहाँ पे, क्या न्यूक्लियर पावर जो है वो जीरो एमिशन होता है। यूजली ऐसा कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर पावर होती है वो CO2 रिलीज नहीं करती है, नॉल दैट, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, न्यूक्लियर प्लांटों को बनाने में जो है कई साल लग जाते हैं, 10 से 15 साल लग जाते हैं कई बार, तो कई बार इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बनाने में इतना समय लगता है, तो उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा CO2 रिलीज होता है कंस्ट्रक्शन वर्किंग एक्टिविटी वगैरह में। उसके अलावा जब हम लोग यूरेनियम को, थोरियम को, प्लूटोनियम वगैरह को माइन करते हैं, यूजली यूरेनियम को माइन करते हैं, तो उस माइनिंग के प्रोसेस में भी बहुत सारा CO2 रिलीज होता है। तो ये और इससे इवन जब एक बार जो न्यूक्लियर जो बिजली बन जाती है तो उससे जो वेस्ट मटीरियल निकलता है
उस वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगाने के लिए भी जो है जो प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं उसमें भी CO2 रिलीज होता है। तो ऐसा कहना सही नहीं है कि जो न्यूक्लियर एमिशन है वो जीरो एमिशन होता है, नहीं, इसके अंदर भी बिजली मतलब CO2 पैदा होता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ एनर्जी वाइज इसको कहा जाता है, इनका कहना है कि 117 ग्राम CO2 पैदा होती है पर किलोवाट आवर, मतलब इतनी बिजली पैदा होती है तो 117 ग्राम। हालांकि लॉन्ग पीरियड में अगर हम लोग बात करें तो कोल और ऑयल के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा कम है, लॉन्ग एवरेज जैसे 10-15 साल के अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो अभी COP26 हुआ था ग्लासगो के अंदर, यहाँ पे भी एक इनिशिएटिव लिया गया साइंटिस्ट फॉर द फ्यूचर, जिन्होंने भी जो है न्यूक्लियर एनर्जी और क्लाइमेट के बारे में काफी डिटेल में चर्चा की है, और इनका कहना है कि यह न्यूक्लियर एनर्जी को और ज्यादा जो है CO2 फ्रेंडली बनाने, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। और इवन कोप्स IPCC ने भी माना है कि यह जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो पूरी तरह से CO2 न्यूट्रल नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं आप उसके यहाँ पे पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज अबाउट द गल्फ ऑफ द सेंसिटिविटी दैट इंडिया विल हैव टू क्रॉस। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार मुझे लगा नहीं ये आर्टिकल, बट ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन लिखना चाहें तो क्वेश्चन लिख सकते हैं दैट इन रीसेंट टाइम्स रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड गल्फ कंट्रीज इंप्रूव्ड विद सम एक्सेप्शंस, ठीक है। आप कर सकते हो डिस्कस इन टर्म्स ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स, 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स, ठीक है। इन रिसेंट टाइम्स रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड गल्फ कंट्रीज इंप्रूव्ड विद सम एक्सेप्शंस, डिस्कस इन टर्म्स ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट, 150 वर्ड्स एंड 10 मार्क्स। रिसेंट डेवलपमेंट का हमारा मतलब ये है कि जो आजकल चल रहा है ना, वो प्रोफेट मोहम्मद जी के अगेंस्ट में उनके खिलाफ कुछ चीज़ें बोली गई जो कि बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई धीरे धीरे करके, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वो सब चला वहाँ पे, है ना, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के को काफ़ी ज़्यादा अलीज किया है। उनका कहना है कि इंडिया में जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके ऊपर जुल्म होते हैं। उन्होंने इंडिया से क्लैरिफिकेशन भी मांगा। उसके बाद बीजेपी ने अपने दोनों लीडर्स को जो है वो अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। बीजेपी ने कहा कि हम लोग सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं, अगर आप सोशल मीडिया में जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोगों ने गल्फ के सामने घुटने टेक दिए हैं क्योंकि उनसे बहुत सारा ऑयल मंगवाते हैं। कुछ लोगों का कहना ऐसा नहीं है, जितना गल्फ हमारी हेल्प करता है उससे ज़्यादा हेल्प हम लोग खुद गल्फ की करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आईटी सेक्टर है, वहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इवन वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है बहुत ज़्यादा इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया की 1000 से ज़्यादा कंपनियाँ कंस्ट्रक्शन और आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है वो गल्फ कंट्री के अंदर जो है बिलियंस ऑफ डॉलर का कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो दोनों साइड का ट्रेड है ये, ऐसा कोई एक साइड का नहीं है, ठीक है। हम लोग ठीक है ऑयल लेते हैं लेकिन उसके बदले में बहुत सारी चीजें हम लोग देते हैं। लाखों की संख्या में जो है इंडियन वर्कर्स, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर्स जो है वो गल्फ कंट्री में रहते हैं और वहां की जो है इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहां पे बोल रही हैं, वो सारी चीजें हैं, खैर ठीक है। तो उसी के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा इस एडिटोरियल के बारे में कुछ ना कुछ बातें यहाँ पे बोली गई हैं। तो कहना है कि कहते हैं कि हाउएवर द ऑर्गेनाइजेशन व्यू हैव नेवर फ्रेम फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स बायलेटरल टाइज विद इंडिया। तो कहता है कि देखिए मोटे मोटे तौर पे जो है OIC ने इंडिया के खिलाफ कुछ चीजें बोली हैं, लेकिन जब थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करोगे ना ये चीज़ें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए OIC एक अलग चीज है लेकिन इंडिया का जो बायलेटरल रिलेशनशिप है UAE के साथ, कतार के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, भैया बहुत गहरे हैं। इवन मोदी जी को सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा बड़ा सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है और भी कई सारी कंट्री में। तो बायलेटरल रिलेशनशिप हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप चाहे जो है एज अ ग्रुप कुछ भी बोलते हो, क्योंकि एज अ ग्रुप आपकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं होती है, आपकी फॉरेन पॉलिसी बायलेटरली डिसाइड होती है। और गल्फ कंट्री के अंदर भी बहुत सारी कंट्रियां जो आपस में लड़ती रहती हैं, कतार, UAE, ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, ये सब आपस में भी लड़ रहे हैं। तो ग्रुप होना एक अलग बात है लेकिन इंडिविजुअली इंडिया के रिलेशन उनके साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं,
ये बेसिकली यहाँ पे बोला गया है। कहता है कि इस्लामिक स्टेट्स हैव नॉट स्वेड बाय द पाकिस्तान कंसिस्टेंट पोर्ट्रेल ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एज द फासिस्ट एंड द एंटी मुस्लिम। तो पाकिस्तान बहुत कोशिश करता है कि OIC के अंत को ये कन्विंस करे कि इंडिया जो है वो एंटी मुस्लिम है, लेकिन यूजली गल्फ कंट्री है ये नहीं मानती। देखिए मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से लोग हैं, अरे हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो जो है मुस्लिम कम्युनिटी से रहे हैं, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे है, एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है हर जगह पे। तो ये कहना कि इंडिया जो है एंटी मुस्लिम और फासिस्ट कंट्री है, कुछ एलिमेंट डेफिनेटली इस तरह इधर उधर से हो सकते हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी में इस तरह का बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे नहीं है। हजारों साल की हमारी हिस्ट्री रही है, एक साथ मिलजुल के रहते हैं। तो ये जो है इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली इस चीज़ को कहा गया है। लेकिन कहता है कि रिलेशन वुड नॉट बी डिफाइंड बाय द रिलीजन, ठीक है, बट देर आर अदर एरियाज एज वेल। सिर्फ रिलीजन हमारे रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकता, दूसरे भी बहुत सारे एरिया हैं, ट्रेड है, आईटी है, फार्मास्यूटिकल है, हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिटिसाइजिंग सम सोशल प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम्स एंड व्हाट इज प्रसीव्ड विद इट। देखिए ऐसा मतलब इसके अंदर आर्गुमेंट दिया गया है आर्टिकल के अंदर, जैसे ट्रिपल तलाक की अगर आप बात करें है ना, या फिर आप जो जैसे अभी जो है अयोध्या में राम मंदिर की आप बात कर सकते हो। तो इनका कहना है कि देखो भैया, अब वहां पे गल्फ का कोई खास रिएक्शन नहीं था ना, ट्रिपल तलाक पे गल्फ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इनका कहना है कि जो रिलीजन के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रैक्टिसेस के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस हर मुस्लिम कंट्री के अंदर तो एक सेम नहीं होती हैं। ट्रिपल तलाक भी बहुत मुस्लिम कंट्री के अंदर बैन किया हुआ है ना, बुरके को लेके अलग अलग प्रोविजन हर जगह प्रैक्टिसेस की जाती हैं, कहता उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप प्रोफेट साहब को, मोहम्मद प्रोफेट को जब आप क्रिटिसाइज करोगे या उनके ऊपर सवाल उठाओगे या उनको कुछ बोलोगे, तो भैया फिर जो है वो बात अलग हो जाती है। दोनों बातें अलग अलग हैं, ठीक है। प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करना सोशल प्रैक्टिस को एक अलग बात है, लेकिन जो है प्रोफेट मोहम्मद को क्रिटिसाइज करना वो दोनों अलग बातें होती हैं। तो ये डिस्टिंक्शन है बेसिकली, और जिसे हम लोगों को रियलाइज किया जाना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि यार ये जैसे बहुत सारी सोसाइटी में, वेस्टर्न कंट्रीज में, हमारी कंट्री में, बहुत सारी कंट्री में ये जो अदर फेथ होती हैं, ठीक है, उनके खिलाफ जो है लोग इस तरह से क्यों बोलते हैं, क्या रीजन हो सकता है? सबसे बड़ा रीजन तो यहाँ पे हो सकता है इग्नोरेंस ऑफ अदर फेथ, ठीक है। हम लोग एक दूसरे के साथ रहते रहते भी दूसरे फेथ को हम लोग समझते नहीं है, उनको जानने की कोशिश नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। लेस फोकस ऑन रिलीजन बाय द इंटेलेक्चुअल क्लास आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में ये एक माहौल बन गया था इंटेलेक्चुअल क्लासेस में, पढ़े लिखे लोगों में, कि रिलीजन की बात मत करो, रिलीजन मतलब बैकवर्डनेस, जो कि सही नहीं है। अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, रिलीजन जो है बहुत ज्यादा फोर फ्रंट पे आ गया है। तो अगर उसी समय से थोड़ा बहुत रिलीजन को हम लोग समझने की कोशिश करते तो शायद अब तक हम लोग बहुत ज्यादा समझ चुके होते। मिसपरसेप्शन भी है बहुत सारे रिलीजन को लेके हमारे हमारे सोसाइटी में, दूसरे रिलीजन को लेके कि वहां पे ये प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस होती है, क्योंकि उसको अच्छे से जानते नहीं है। तो जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो चलता है, उसी चीज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं भैया जो जानबूझ के ऑफेंड भी करते हैं, उनका काम ही होता है दंगे फसाद करवाना, तो उनका एक बयान जो है वो लोगों को सड़कों पे लेके आ जा सकता है। तो बेसिकली क्या है ना, हमारे इमोशंस इतने कमजोर हैं कि कोई भी आदमी हमारे इमोशन के साथ खेल सकता है। अरे भैया, हमारे खुद का इमोशन का कंट्रोल हमारे पास है नहीं, तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ गाना गाया और हम लोग एक्साइट हो जाते हैं। जिसने गाना गाया, जिसने लिखा, वो आदमी जो है आराम से घर पे बैठ के चाय पीता है, कॉफी पीता है। तो इमोशंस भी बहुत ज़्यादा फ्रजाइल होते हैं, उसका फायदा जो है कुछ लोग उठाते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती हैं, पास्ट में भी बहुत ज़्यादा दी गई हैं, फ्यूचर में भी दी जाएंगी, हमेशा से दी जा रही हैं, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो इस तरह से सड़कों के ऊपर आ जाता है, लेकिन जो ऊपर बैठा आदमी है वो मजे लेता रहता है। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने कहा कि सोल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज़ का। कहता है कि वी नीड टू फोस्टर एन अंडरस्टैंडिंग इन सोसाइटी लार्ज एंड अदर फेथ्स एंड देयर सेंसिटिविटी। दिस इज स्पेशली नीडेड इन द मल्टी फेथ सोसाइटी एट अ टाइम व्हेन द रिलीजियोसिटी इज राइजिंग। तो आज के समय में जब रिलीजियोसिटी जो है बढ़ रही है समाज के अंदर, स्पेशली कंट्री जैसे इंडिया है जहां की मल्टी फेथ है, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, लैंग्वेज है इंडिया में, हमारे जैसी कंट्री में दूसरी फेथ को लेके सेंसिटिविटी होना ज्यादा जरूरी है। देखिए, इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर ना हो तो इतना ज्यादा चलेगा, क्योंकि वहां पे यूजली जो है मोस्टली वो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया जैसी सोसाइटी में जो इतनी डाइवर्स होती है, यहाँ पे सेंसिटिविटी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये बेसिकली इन्होंने एक सोल्यूशन यहाँ पे बताया है। तो हमारी जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, जो उनको थोड़ा सा
सोच समझ के बातचीत करनी चाहिए। जुडिशरी का भी यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, सिविल सोसाइटी एनजीओज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, आम जनता का यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ना, अवेयर होना चाहिए इन चीजों को लेके, और वो सारी चीजें हैं। दिस इज इन्होंने बड़े अच्छे से कंक्लूड किया आंसर को, कहते हैं दिस इज अ म्यूचुअलिटी ऑफ द इंटरेस्ट बिटवीन द अरब स्टेट्स एंड द इंडिया एंड हेंस व्हेन द टेंपरेचर कूल्स द फ्लो ऑफ द रिलेशन विल गो ऑन। कहता है ये भी हीट ऑफ द मोमेंट चल रहा है इसलिए थोड़ी दिक्कतें हैं, धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप ही लाइन पे आ जाएंगी, क्योंकि अरब कंट्री के साथ हमारा रिलेशन काफी गहरा है, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप भी है और ट्रेड के साथ साथ और भी हम लोग कल्चरली रिलेटेड हैं आपस में, तो धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। बट इंडिया मस्ट टेक द ऑब्वियस लेसन, इंडिया को लेसन लेने की जरूरत है फ्रॉम द एंटायर एपिसोड जो हुआ है, बिगनिंग विद द ग्रेटर सेंसिटिविटी टू ऑल फेथ बोथ फॉर द सोशल हार्मनी एंड द प्रमोशन ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल इंटरेस्ट। मतलब इंडिया को और ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है। ठीक है जी, तो कल हम लोगों ने कुछ सवाल आपसे पूछे थे, सवाल आपके सामने है। तो पहले का आंसर हो जाता है 124, भैया इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स हैं, तो अभी जो है मणिपुर वाला आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, मणिपुर में भी बना है। तो कहता है देयर आर 3 हाई कोर्ट्स कॉमन टू ऑल, जैसे हमारे यहाँ पे जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है तो ये दोनों स्टेट के अंदर जाता है, उसके अलावा हमारा जो बॉम्बे हाई कोर्ट है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट तो वो गोवा के लिए भी है और महाराष्ट्र के लिए तो है ही, उसके अलावा गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ये आसाम के लिए भी है, मिजोरम के लिए भी है ना, कई सारे स्टेट्स के लिए, तो ये सब हो गया। उसके अलावा अगर आप यूटीज की बात करो तो जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट है तो ये बंगाल वेस्ट बंगाल के लिए तो है ही, उसके साथ ही अंडमान निकोबार के लिए भी है। जैसे अगर आप गुजरात हाई कोर्ट की बात करो तो ये गुजरात के लिए भी है, दमन एंड दीव के लिए भी है। अगर आप केरला हाई कोर्ट की बात करो तो केरला के साथ साथ जो है वो हमारे लक्षद्वीप के लिए भी है ना। और अगर आप जो है मद्रास हाई कोर्ट की बात करो तो मेरे ख्याल से ये मद्रास के साथ साथ पुडुचेरी में भी है ना। तो ये यूटी के साथ भी कई सारे स्टेट हमारे यहाँ पे हैं। तो आंसर हो जाता है 124। सेकंड स्टेटमेंट कहता है विच प्रोविजंस गारंटी इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट, तो इसमें जो है चारों की चारों चीजें हो जाती हैं। तो इंडिपेंडेंस हाई कोर्ट की बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, भैया प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, और हाई कोर्ट के जज को हटाना इतना आसान नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होती है जिसकी वजह से उसके जो टेन्योर है उसको इंडिपेंडेंस मिलता है, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। तो प्रेसिडेंट बहुत बताया ना इंपॉर्टेंट, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, तो इसको आसानी से इंप्रूव जो है रिमूव नहीं किया जा सकता। फिक्स सर्विस कंडीशन होती है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है इनको सैलरी प्रिविलेजेस अलाउंस वगैरह दिया जाता है, तो अपनी मर्जी से सरकार इसको चेंज नहीं कर सकती है। हाँ, कोई इमरजेंसी हो गया तो बात अलग है ना, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गया तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, यूजली नहीं होता है। कंडक्ट ऑफ द जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, उसको जो है रिमूव कर सकते हो, इम्पीच कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिटिकली आप उनको डिस्कस नहीं कर सकते पार्लियामेंट के अंदर। तो ये भी बहुत बड़ा एक यहाँ पे यू नो सेफ गार्ड दिया गया है। बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के भाई बात भैया जो है आप कहीं दूसरे कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें। हालांकि इसके अंदर भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो सकता है और होता भी है, ठीक है, वो आप जो है कमेंट सेक्शन में अगर मन करे तो आप बता सकते हो। आज के दो सवाल आपके पास लिए हैं दोस्तों। पहला जो है क्वेश्चन कहता है डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में, द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब क्या होता है वो बताइए आप मुझे, इसको पोज करिए नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज फॉर्म्ड फॉर एंश्योरिंग फेडरल करेक्टर ऑफ इंडिया, राज्यसभा इज मोर होमोजीनियसली कॉन्स्टिट्यूटेड देन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये आपके पास ऑप्शन है, इसको भी बताइए। इस बार जो है यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया था, देखिए द हिंदू से सीधा सीधा आर्टिकल पूछते हैं, ये सब आर्टिकल हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं मोर और लेस, ठीक है। पीएम प्रेसिडेंट टू अटेंड अनवीलिंग द रामानुजाचार्य स्टैच्यू, तो भैया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट सिटिंग पोजिशन में स्टैच्यू जो है वो उन्होंने अनवील किया था रामानुजाचार्य जी का, जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छी खासी चर्चाएं की थी। तो बेसिकली रामानुजाचार्य जी जो थे ना, ये एक तरह के जो है भक्ति सेंट हुआ करते थे, और भक्ति का मतलब होता है साल्वेशन, और साल्वेशन भक्ति में कैसे मिलता है, यू नीड टू सरेंडर योर सेल्फ टू द गॉड, यू नीड टू प्रोवाइड, यू नीड टू हैव 100% फेथ एंड साल्वेशन एंड 100% ऑफ भक्ति, डिवोशन टू द गॉड, है ना, यही तो बात बोलते हैं ना भक्ति, कभी कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अगर आप अपने भगवान की आराधना करते हो, पूजा अर्चना करते हो, तो आपको साल्वेशन मोक्ष मिल सकता है, तो उसके बारे में तो भक्ति मूवमेंट बोलता ही है। तो बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वॉज डिवोशन, मतलब अपने आप को भगवान को सौंप दीजिए, जैसे मीरा ने सौंपा था, कबीर ने सौंपा था, है ना, दादू दयाल ने सौंपा था, वो सारी चीजें हैं। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इसी तरह का आर्टिकल जो है, देखिए न्यूज़पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है तामझाम,
तो दोस्तों यही थे आज के आर्टिकल सारे के सारे, ठीक है। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा, ठीक ठाक लगा तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और जितने भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं भर भर के जो है पार्टिसिपेट किया करो और अपने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।